हेलो एवरीवन, स्वागत है हर घर फूड्स में एक बार फिर से। तो आज हम बना रहे हैं बहुत बढ़िया मिठाई। तो मैंने 2 चम्मच घी लिया है और इसमें भूनेंगे 3 से 4 चम्मच तक सूजी। इसे अच्छे से भून लेंगे ब्राउन होने तक। तो लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से भून लें, फिर उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही कम सामान में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये भून चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए, तो अभी इसी कढ़ाई में हम दूध डालेंगे। 1/2 लीटर दूध लिया है मैंने, तो उसे डालते हैं और फिर इसे हम उबालते हैं। 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए, उबाल आने लगा है अच्छे से। थोड़ी देर और पकाएंगे। तो ये 4 से 5 मिनट तक उबल चुका है। ये देखिए, मैंने मलाई का करौनी लिया है। जो मलाई से घी बनाए थे, तो घी को निकाल लिया है। बचा हुआ जो करौनी है उसे डालते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार होती है इससे। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिए अगर आपके पास है तो। तो आँच हम तेज़ रखेंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे। अब दूध को गाढ़ा होने तक हमें पकाना है। ये देखिए दूध का कलर। और हम चीनी डालेंगे। जितना हमें मीठा चाहिए उस हिसाब से हम चीनी डालें। मैंने डाला है 100 ग्राम चीनी। चीनी घुल चुकी है, तो जो मैंने सूजी भून कर रखा था उसे डालते हैं। सूजी आप पहले भी डाल सकते हैं चीनी डालने के पहले। जब चीनी डालने के पहले डालेंगे तो वो दूसरी तरफ फूलेगा, और इस समय जब डालेंगे तो सिर्फ सॉफ्ट होगा। तो इसे हम चलाते हुए पकाएंगे सूखा होने तक, बर्फ़ी जमने तक। तो इसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं लगा, बस थोड़े से दूध में बनकर ये तैयार होगा और ढेर सारी मिठाई बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए सूख चुका है। अभी हम डालेंगे इलायची पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट और करेंगे ऐसे। तो ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है, ये तैयार है जमने के लिए। तो अभी गैस बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने प्लेट में पहले ही घी लगा के रखा था। तो इस तरीके से निकाल लेंगे और फैला देंगे अच्छे से एक बराबर। तो सभी को एक बराबर फैला लें। तो 1 साफ चम्मच लेकर मैंने घी लगाया और उससे इस तरीके से चिकना कर रहे हैं। तो इस एक बराबर पूरा फैला के रख दें। फिर अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो कोई भी आप डाल सकते हैं। मैंने काजू और बादाम काट कर लिया है, उसे ऊपर से डालकर इस तरीके से दबा देते हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो ये एकदम बढ़िया मिठाई बनकर तैयार है। बस इसे अब ठंडा करेंगे हम। इसे ठंडा करने के लिए हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी ये बढ़िया पीसेस निकलेंगे। तो मैंने पूरी रात छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। अभी इसे कट लगाते हैं। तो जैसे पीसेस आपको पसंद हो, छोटा बड़ा, आप काट सकते हैं। ठंडा करके आप इसका लड्डू भी बना सकते हैं। पीसेस नहीं काट सकते, बर्फ़ी नहीं पसंद तो। तो प्लेट को थोड़ा गर्म करेंगे नीचे से ताकि सारी बर्फ़ी आसानी से निकल आए। ये देखिए बर्फियाँ निकल रही हैं आराम से। अगर गर्म कर लेते हैं प्लेट तो आसानी से निकल जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये देखिए एकदम लाजवाब बर्फी बनकर तैयार है बिल्कुल कम समय में। जो मलाई का खुरचन था उससे हमने बनाया है, जिसे हम फेंक देते हैं, लेकिन हमने उसकी स्वादिष्ट बर्फी बनाई है। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब तक हमारे वीडियो में बने रहे, धन्यवाद।